परिवार के सांसद रवि वर्मा जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष नौजवान साथी अनुराग पटेल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय बंसीधर लाल जी, शशांक एमएलसी आनंद भदौरिया जी, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये शानदार कार्यक्रम हो रहा है, नौजवान विधायक उत्कर्ष वर्मा जी, विधायक विनय तिवारी जी, राम शरण जी, अरकेश गोपाल पटेल जी, विधायक श्री भार्गव लाला, आर्य उस्मानी साहब, यशपाल चौधरी जी, अनीता यादव जी, कयूम खान साहब, धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, गुरु सिंह जारजी साहब, हीरा ठाकुर जी, नरेश यादव, धनंजय उपाध्याय, युवा संगठन के सभी पदाधिकारी, राजीव गुप्ता, मंच पर उपस्थित आनंद मोहन त्रिवेदी जी, बगल के ही हमारे विधायक मंत्री अनूप गुप्ता जी से लेकर के बहुत सारे हमारे पार्टी के सभी नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी पदाधिकारीगण, जिले में देख रहा हूं बहुत सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में किसान माताएं बहने नौजवान साथी पत्रकार, मैं सबसे पहले लखीमपुर जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इसलिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने एक शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने का काम किया है। मुझे जानकारी मिली है यहाँ इतनी गर्मी है, उमस है, उसके बावजूद भी लोगों का आना रात में ही शुरू हो गया था। कुछ हमारे साथी रात में ही रुके हैं, लाभार्थी कुछ रात में ही उतर के आज सुबह आए हैं। हालांकि हमें कार्यक्रम में बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे साथ जो मंत्री बने हैं रामू वालिया जी, वो भी आ जाए, कम से कम सिख समाज के बीच में कुछ संदेश दे दे। इसलिए एक घंटा हमने उनका इंतजार भी किया। इसलिए मैं इस मौके पर जो लाभार्थी हैं, जो सरकार की तमाम योजनाओं से जिनको आज लाभ मिलने जा रहा है, जो लाभार्थी आए हैं, चाहे वो समाजवादी पेंशन के हों, चाहे हम छात्राएं कन्या विद्यादान वाली हों, और चाहे लैपटॉप, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। जहां तक सवाल सरकार का है, मुझे खुशी है इस बात की, और मैं अपने तमाम नेताओं साथियों के माध्यम से ये कह सकता हूं कि जो घोषणा पत्र जनता के लिए बनाया गया था, कम से कम समाजवादी लोगों ने उस घोषणा पत्र को लागू करने का काम किया है। और देश में तमाम सरकारें हैं, अगर उन सरकारों के बारे में आप विचार करेंगे, जानेंगे, तो आप पाएंगे कि कम से कम समाजवादी लोगों ने वो काम कर करके दिखाया है कि अगर जनता से कोई वादा किया है तो सरकार में पहुंच कर उन वादों को पूरा करने का काम किया है। मुझे याद है लखीमपुर में जब मैं क्रांति रथ से आपके बीच में आया था, और कई बार उससे पहले आने का मौका मिला, आपके नेताओं से बात करने का मौका मिला, मुझे वो जानकारी देते थे कि शारदा कैनाल जो बना है, कई बार जब बरसात आती है या पानी ज्यादा आ जाता है तो हमारे तमाम किसानों को नुकसान पहुंच जाता है, बाढ़ का पानी खेत को बर्बाद कर देता है, ये तराई का इलाका है, नेपाल से जो पानी आता है उसे बर्बाद हो जाती है कई लोगों की खेती। हमारे साथियों को याद होगा सरकार बनने के बाद सबसे पहले अगर किसी ने हमें बुलाया था शारदा कैनाल पे, तो रवि वर्मा जी ने बुला करके वो शारदा कैनाल और बराज को दिखाने का काम किया था। और उस समय जो निर्णय लिए कि हमारे किसानों को कैसे जमीन बचे, कैसे पानी का इंतजाम हो, मैं समझता हूँ बैराज उस समय जो सिंध निकाली गई या व्यवस्था ठीक करी है, बंदों पे जो ठोकर बनाई, कम से कम उन इलाकों में जहाँ बाढ़ आ जाती थी, अब बाढ़ नहीं आ पा रही, कम से कम ये समाजवादियों ने 2 साल पहले 3 साल पहले वो कर करके दिखा, तमाम योजनाएं लागू कर दी। इसलिए हम जानते हैं लखीमपुर बहुत महत्वपूर्ण जिला है, किसान है यहाँ पर, हमारे सिख भाई है, और ये जिला वो है जिसने हमें बहुत विधानसभा सीटें जिता करके भेज दिया। जब रस पर आए थे हम लोग,
जरूरत पे कार्यक्रम हुआ था लखीमपुर पे जगह जगह पर, और वो दिन भी याद होगा जब हम लोग दुदुमा में रुके थे, और वो सरकार एक ऐसी थी कि उसका आतंक बोले या कुछ और बोले इतना था कि जब हम दुदुमा पहुंचे थे अधिकारी दुदुमा को छोड़ के भाग गए, हमने कहा कि अगर हमें खाना खाना तो खाना कहां खाएंगे। हमारे साथियों को याद होगा वो कैंटीन बंद कर करके भी भाग गए, और जो व्यवस्था थी, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि चाहे बिजली हो ना हो, कैंटीन में खाना मिले ना मिले, लेकिन अब लखीमपुर आ गए हैं, अब रुकेंगे दुर्बा नहीं, चाहे हमें अपना इंतजाम करना पड़े। वो जनरेटर में तेल और वो नहीं था डीजल, हमारे साथियों को याद होगा जनरेटर चलाने के लिए डीजल भी नहीं दिया उन्होंने, वो डीजल का हम लोगों ने इंतजाम किया। खाना बनाने वाले भाग गए, लेकिन खाना बनाने वाला हमारे साथ था, उसने खाना हम लोग को वहीं पर लकड़ी जुगाड़ कर करके और वहीं पर खाना बनाने का काम किया। ये साथियों हम जानना चाहते हैं और आप भी जानते होंगे, अब कम से कम दुदुमा में हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन ला दिया है, थोड़ा बहुत इंतजाम ठीक कर दिया है। कोई भी वहां जाएगा अब कैंटीन बंद नहीं मिलेगी, वहां गेस्ट हाउस बंद नहीं मिलेगा, और मुझे खुशी इस बात की है कि अब तो बुकिंग के लिए भी झगड़ा हो जाता है, बुकिंग के लिए झगड़ा हो जाता है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इस पर भी झगड़ा हो जाता है। एक बार तो ऐसा झगड़ा हुआ है, हमारे साथी और प्रेस के लोग जानते होंगे, डीएम का भी झगड़ा हो गया, वन विभाग के अधिकारियों का भी झगड़ा हो गया, क्योंकि शानदार चीजें बना दी, इसमें कम से कम लोग आना शुरू हो गए, दुर्गा में बड़ी संख्या में आना शुरू हो गए, और हम अपने नेताओं को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आज ये सड़क हम बना रहे हैं लखनऊ से लेकर के आपको सीतापुर होकर के लखीमपुर जोड़ेगी, इसी सड़क को हम लोग दुर्गा और पीलीभीत तक जोड़ने का ये काम करेंगे, जिससे हमारे लखीमपुर और खासकर जंगलों का भी विकास हो सके, लोग आ भी सके। और ये सड़क कोई मामूली सड़क नहीं है, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़ेंगे, और हमने शुरुआत कर दी है, बहुत से जिलों में बन गई है सड़क, हमने उद्घाटन भी कर दिया है। आने वाले समय में हमने संकट लिया है, समाजवादियों ने हमने विचार किया है कि कोई भी उत्तर प्रदेश का जिला मुख्यालय नहीं बचेगा जिससे हम फोर लेन सड़क से न जोड़ रहे, और ये सड़क से इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं, दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है, जिन्होंने पढ़ा होगा जानकारी की होगी वो जानते होंगे, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया, और ये भी हमारे तमाम साथी जानते होंगे अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहते हैं कि अगर सड़क बन जाएगी रफ्तार बढ़ जाएगी तो अर्थव्यवस्था भी अपने आप रफ्तार ले लेगी, इसलिए हमने लखीमपुर को जोड़ने का काम किया है और लगातार इसी तरीके से फोर लेन सड़कों से जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले जुड़े हैं, वाराणसी से सोनभद्र जुड़ गया है, बाबतपुर से भदोही जुड़ गया, आपका राठ से लेकर के हमीरपुर से लेकर के कालपी जोड़ दिया, उधर मुरादाबाद से संभल जुड़ा है, बहराइच से सरावस्ती जुड़ा है, मैं कह सकता हूं कि लगभग 40 जिलों के लगभग हम लोगों ने चार दिन से जोड़ने का काम किया। चार लेन से जुड़ने के बाद न केवल यात्रा सुरक्षित होगी साथ ही साथ कम समय में भी आप पहुंच सकेंगे, ऐसा इंतजाम हम करने जा रहे हैं। हमने लैपटॉप भी बांट दिया, कन्या विद्या भी लेके दिखा दिया, अपनी माताएं बहनें जो गरीब हैं जिनके पास पेंशन नहीं पहुंच पाती थी, कम से कम समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन देने का काम किया है, और ये लगातार हम लोग पेंशन बढ़ा रहे हैं। पिछले बजट में 45 लाख महिलाओं को पेंशन दे रहे थे, और इस बार हम लोगों ने 55 लाख महिलाओं को पेंशन से जोड़ने का काम किया है। हम अपने गरीब माताओं बहनों को भरोसा दिला सकते हैं, अपने तमाम नेता जो हमारे मंच पे बैठे हैं उनको भरोसा दिला सकते हैं, अगर हमने 45 से 55 किया है, आने वाले समय में हम समाजवादी लोग कोई परिवार नहीं छोड़ेंगे जो गरीब होगा और जिसको समाजवादी पेंशन उपलब्ध करा दे, ऐसा भी इंतजाम करने जा रहे हैं। नौकरियां कैसे मिले, रोजगार के इंतजाम कर रहे हैं, सब विभागों में नौकरियां निकाली है, पुलिस में भी इतनी कभी भर्ती नहीं हुई होगी जितनी हमने भर्ती करके निकाली,
पहले 40,000 भर्ती कर दी और अभी हमारी 30,000 से ज्यादा भर्ती का लगभग तय हो चुका है। बहुत जल्दी उसमें भी नए नौजवानों को मौका मिल जाए और इतनी आसान भर्ती कोई नहीं कर सकता था जो हमने करके दिखा दिया। मैं परीक्षा लिखनी पड़ती थी, दो परीक्षा लिख रहे थे, दो परीक्षा के बाद भी पता नहीं भविष्य में मिलेगा नौकरी या नहीं मिलेगी। और अब कठिन परीक्षा के बाद कितनी कठिन भाग दौड़ होती थी, 8 किलोमीटर से ज्यादा भागना पड़ता था। पुराना रिकॉर्ड भाग करके देख लो, कई नौजवान भागते भागते जान खो गए, जान देनी पड़ गई नौकरी को पाते पाते। कम से कम समाजवादी लोगों ने उस व्यवस्था को बदल दिया और आसान भर्ती कर दी। और आसान भर्ती इसलिए कर दी क्योंकि आपके पास पुलिस फोर्स की कमी है, आपके पास लाखों पुलिस फोर्स की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा भर्ती करते हुए दिखाया था तो वो समाजवादी लोगों ने 3 साल के अंदर लगभग 75,000 भर्ती करते हुए दिखाने का काम किया। तो भर्ती भी हो रही है, नौकरियों के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं और कम से कम वो इंतजाम कर रहे हैं कि लोग आकर के यहाँ पर उद्योग लगाए, कारखाने लगाए। हमने किसानों को भी सुविधा दे दी, पता कोई सरकार रही हो जिसने किसानों का पानी मुक्त कर दिया और समाजवादी लोगों ने किसानों का पानी मुक्त कर दिया। नहरें कैसे साफ सुथरी रहे, पानी कैसे खेत तक पहुंचे वो इंतजाम किया, बिजली का इंतजाम बेहतर कर दिया, नाले ज्यादा सबस्टेशन बनाए। सवाल यह है कि गाँव में बिजली पहुंचे, पूछेगी कब, जब पहुंचेगी तब, जब जब उसमें सबस्टेशन बने होंगे, तार बिछे होंगे। कम से कम मैं कह सकता हूँ और आप लोगों के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, अगर सबसे ज्यादा सबस्टेशन किसी ने बनाए हैं तो समाजवादी लोगों ने बना करके गांव में पहुंचाने का बिजली का इंतजाम किया। बिजली उत्पादन भी बढ़ाया, ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाने का भी काम किया। अगर किसी ने भी बजट से लेकर के बिजली उत्पादन बढ़ाने का काम किया है तो देश में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन और बजट को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हर क्षेत्र में काम किया हम लोगों ने, समाजवादियों ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें काम न किया हो। इसे तमाम दल आज हम चाहते हैं कि मुकाबला करने अगर वो चाहे तो हमारी और समाजवादी लोगों की तुलना करने अपनी योजनाओं से। अभी ठीक ही कह रहा हूं आज सामने कि तमाम दल ऐसे हैं जिन्होंने विकास के नाम पर तो वोट ले लिया लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद रास्ता क्या दिखा रहे, रास्ता कौन सा अपना रहे हैं। हम तो कहते हैं कि उन्होंने नारा किया था अच्छे दिन आने का। मैं लखीमपुर की जनता से पूछना चाहता हूँ, बताओ अच्छे दिन कितने आ गए। उन्होंने कहा था कि हम सबका विकास करेंगे, एक साथ खुशहाली आएगी। बताओ 2 साल की सरकार में केंद्र में कितनी तरक्की, कितनी खुशहाली आ गई। आप अपनी तुलना कर लेना लखीमपुर के साथियों, उत्तर प्रदेश की जनता ने ज्यादा सांसद जिता दिए, इतने कभी सांसद को इतना नहीं जीता होगा। इतने सांसद जीत गए लेकिन सांसद जीतने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश को मिला क्या है। अगर आंकड़े ठीक कहते हैं, अगर आंकड़े ठीक है तो जनता ने तो जिता दी ज्यादा सांसद, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हीं लोगों ने उत्तर प्रदेश का 9,000 करोड़ कम करने का काम किया। नीति आयोग जब से बना है उत्तर प्रदेश को लाभ नहीं मिला है, उससे उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है, 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और किस रास्ते में ले जाना चाहते हैं, ये वही दल के लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का काम किया, कोशिश भी की लेकिन हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये चाहे कितनी भी चैलेंज चले, चाहे कोई भी रास्ता अपना लें, लेकिन जो समाजवादियों ने विकास का रास्ता अपनाया है, हम लोग खुशहाली का रास्ता छोड़ने वालों में से नहीं है, हम खुशहाली का रास्ता ही वही चलने वाले लोग। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूसरे तरह की बहस हो, किराना जैसा मामला, किराना का मामला आप जानते होंगे। उनके नेताओं ने एक सूची लाने का काम किया, कितने लोग किराना छोड़ करके चले गए। जो सूची थी हमने जांच करा ली, उस सूची पर कोई लोग 15 साल पहले चला गया, कोई 20 साल पहले चला गया। सूची में जिन लोगों का नाम था वो जिंदा ही नहीं है और कुछ लोग नौकरी के बहाने चले गए, कुछ और वजह से चले गए। लेकिन आरोप सरकार पे क्या लगा रहे हैं कि सरकार की नाकामी की वजह से ये लोग चले गए। और अगर पलायन पे बहस करना है, कराना जैसी पलायन पे बहस करनी है तो बताओ राजधानी दिल्ली
वहां पे कहां कहां से पलायन कर करके लोग आ गए, और अब ऐसी करनी है बड़े शहर की तो बताओ मुंबई में कहां कहां से लोग नहीं पहुंचे। हम और आप लोग और ज्यादा लोग जानते होंगे कि तमाम ऐसे मुल्क हैं जो खुशी मनाते हैं इस बात की कि उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोग और उनमें सत्ता में बैठे हुए लोग रास्ता कौन सा अपनाना चाहते हैं? इसलिए साथियों विकास कर रहे हैं और विकास का ये रास्ता जो सबके बीच में खुशहाली रहेगा। आज अगर रोजगार चाहिए तो आखिरकार रोजगार आएंगे कहां से? जब तक यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं आएंगे, उद्योग नहीं लगेंगे। इसलिए साथी भी लोग जानबूझ करके न केवल उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग कारखाने वाले लोग ना आए ये भी इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज कैनेडा की खबर हमारे और अखबार में शायद न हो उतनी, हमारे और अखबार में शायद न छपी हो बड़ी खबर, लेकिन देश के सबसे आर्थिक राजधानी में फ्रंट अखबार पे छपाई की कैनेडा में आखिर क्या हो रहा है? तो ये जो कह रहे हैं जैसे सवाल उठा रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं और केवल उत्तर प्रदेश का माहौल कैसे खराब हो जाए, कैसे राजनीतिक हैसियत पर आ गए, इसलिए काम कर रहे हैं इस तरह का। इसलिए साथियों आपको जहां विकास समाजवादी लोग कर रहे हैं वही ऐसी ताकतों से भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में पता नहीं कौन कौन क्या क्या तरीका अपना ले। हमारे प्रधान लोग जानते होंगे, हमारे तमाम लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो जानते होंगे चुनाव जीतने के लिए जाने कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कैनेडा जैसा सवाल उठा करके और भाईचारे का खत्म कर करके ऐसे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुलना कर लें उनके दो साल में जो काम हुए हैं वो तो जनता के बीच में लाए, कम से कम वो काम तो जनता के बीच में लाए, दो साल में जो उपलब्धियां हैं वो जनता को बताएं और हम अपनी उपलब्धियां बताते हैं। और मैं आपको कह सकता हूं हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे अगर उत्तर उपलब्धियों पर सवाल हो जाएगा तो समाजवादी लोग आगे निकल जाएंगे, बीजेपी लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए चाहे पेंशन हो, विकलांग हो, बेरोजगारों को रोजगार हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनानी हो, कॉलेज बनाने हो, नए पॉलिटेक्निक बनाने हो, चाहे महिलाओं को सामाजिक पेंशन देनी हो, चाहे एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध करानी हो, समाजवादी लोगों ने काम कर करके दिखाया है। इसलिए आने वाले समय में भी हम लोग काम करेंगे और जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है ये रफ्तार रुकने वाली नहीं, इसी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने तमाम विधायकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे विधायक चाहते थे कि बोल लें और कुछ ना कुछ अपनी मांग क्षेत्र कहते और रखते, उन्होंने लेकर के दिया है, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं विधायकों को। अभी सरकार का समय भी है और पैसा भी है, जो जो उनका शामिल हो सकता है विकास की चीज है उनको हम शामिल करने का काम करेंगे जिससे उनके क्षेत्र में विकास कहीं ना कहीं दिखाई दे। साथ ही साथ हम अपने उत्कर्ष लखीमपुर के विधायक को ये कहना चाहते हैं, जब मैं आया हूं तो मैंने देखा है तार किस तरीके से सड़कों पर है, तारों का जाल पूरे शहर में दिखाई देता है। हालांकि हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों से बहुत सारे शहरों में तार को भी अंदर करने का सिलसिला शुरू किया है। हमने उदाहरण के लिए आजमगढ़, मऊ, बहुत सारे ऐसे जिले जहां पर बिजली का बहुत ज्यादा पकड़ जाल था तारों का, उन तारों को अंदर करने का काम किया जिससे कम से कम नियंत्रण में और जितनी हम बिजली देना चाहे वो पहुंचा सकें। आने वाले समय में हम लखीमपुर शहर को भी साबित करेंगे जिससे कि यहां भी कम से कम और शहरों की तरह 24 घंटे बिजली कैसे उपलब्ध हो उस इंतजाम को कर करके यहाँ भी बिजली बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने नेताओं का कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं, तमाम लाभार्थी जो इतनी गर्मी में उमस में भी मौजूद हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। कम से कम आप लोगों के बीच में हम समाजवादी लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो वादा किया जनता के बीच में उसको पूरा करने का काम किया है। इसी तरीके से लगातार हम किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को सुविधा दे सके देते रहेंगे जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने का मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अपने कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद, अपने मंच पे बैठे हुए नेताओं का भी बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक हमारे रामो वालिया का सवाल है, रामो वालिया जी के ऐसा कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है। मुझे याद है जब रामू वालिया साहब को हम लोगों ने शपथ दिलाई, नेताजी ने कहा आप शपथ दिला दो,
हम लोगों ने रामू वाले साहब को शपथ दिलानी, क्योंकि छह महीने तक किसी सदन में अगर नहीं है सदस्य आप रह सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन जब सदस्य डाली थी हम लोगों ने इनको नॉमिनेट करके भी अपर हाउस में भेज दिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से रामवालिया साहब आए हमारे साथ कम से कम मंच पर और जनता में भी बड़ी संख्या में सिख लोग दिखाई देने लगे, क्योंकि शुरुआत है हालांकि सिख समाज बहुत जुड़ा हमारी पार्टी में, बड़ी संख्या में नेताजी ने हम लोगों ने जोड़ कर रखा, लेकिन अब रामवालिया और हमारे बहुत सारे लोग हैं मिलकर के भी अगर कोई कार्य करना चाहेंगे तो अगर लखनऊ में करेंगे तो हमें मुझे खुशी होगी कि एक शानदार अगर सिख लोगों का कार्यक्रम हो जाएगा तो कम से कम पूरे प्रदेश और देश में एक संदेश जाएगा कि हाँ समाजवादी लोगों के साथ भी इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने तमाम नेताओं का विधायकों का धन्यवाद देता हूँ, तमाम संगठन के पदाधिकारी जिन्होंने मेहनत की उनका धन्यवाद, और साथ ही साथ लाभार्थी जिन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी और उस कार्यक्रम में आए उन सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो सीएम अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, आज लखीमपुर खीरी दौरे पर हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी क्योंकि लगभग साढ़े चार साल का सवा चार साल का इंतज़ार उनका ख़त्म हुआ, आज सीएम लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं और लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था जिस चीज़ की आस थी आज वो पूरी हुई है, गरीब लोगों की उम्मीदें आज जो आस थी उसको पूरा किया सीएम अखिलेश यादव ने, जो विकास की योजनाएँ थीं उनका शिलान्यास करने पहुँचे हैं, लाभार्थियों को उनका हक देने के लिए पहुंचे सीएम अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी। तो कई बड़ी सौगातें देने का वादा सीएम अखिलेश यादव ने सरकार में आते ही किया था, 4 अप्रैल 2012 को सीएम ने खीरी जिले के लिए कई बड़ी सौगातें देने का ऐलान किया था जो आज पूरी की जा रही हैं, और इतनी गर्मी में वहां पर भारी संख्या में लोग भी उपस्थित हुए हैं। तो आपको बता दें सीएम अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी दौरे पर हैं, आज लाभार्थियों को वहां पर